नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको कास्टिक सोडा कितना यूज़ करना चाहिए, एसिड स्लरी कितना यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए जिससे कि उसका पीएच सही तरीके से मेंटेन हो जाए। कई लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि हम कास्टिक सोडा कितना ले या फिर हम एसिड स्लरी कितना ले, उसका डाइल्यूशन प्रोसेस किस तरीके से होता है। और बहुत से लोग यहीं पे ही सबसे बड़ी गलती कर देते हैं जिनसे उनका जो एग्जैक्ट रेशियो होता है वो रेशियो उन्हें पता नहीं चलता कि कितना रेशियो आ रहा है उनका पीएच मेंटेन करने के लिए। और किसी बड़े बैच को मेंटेन करना हो पीएच तो आसानी से कैसे मेंटेन कर सके, तो सिंपल ही है। आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ बताऊंगा कि आप किसी भी बड़े बैच को भी आपको अगर पीएच मेंटेन करना हो तो आप आसानी से कैसे उसको मेंटेन कर सकोगे, आपका पीएच एक ही बार में किस तरीके से मेंटेन हो जाएगा, आपका एसिड स्लरी आप चाहे कितना भी लो उसके सामने आपको कास्टिक एग्जैक्ट कितना लगेगा, इसका आप रेशियो कैसे निकल सकोगे। और चाहो आप कास्टिक सोडा पहले लेते हो तो कास्टिक सोडा आप चाहो कितना भी लो उसके सामने आपको एसिड स्लरी कितना लगेगा उसका एग्जैक्ट रेशियो आप खुद से निकाल सकोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि एसिड स्लरी का रेशियो निकालना या फिर कास्टिक सोडा का रेशियो निकालना ये इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, बहुत ही आसान प्रोसेस है, बस प्रोसेस को सही तरीके से करना होता है। जैसे कि आपको सबसे पहली चीज़ जो लाई बनानी होती है कास्टिक की वो ठीक तरीके से बनानी होती है, और एसिड स्लरी का घोल ठीक तरीके से करना होता है जिससे कि आप उसके मेज़रमेंट को सही तरीके से निकाल सके। जैसे कि अगर आप कास्टिक सोडा लेते हो, कास्टिक सोडा आप शुरुआत में 100 ग्राम ले लो, उसके सामने 300 ग्राम पानी ले लो जिससे कि आपका टोटल हो जाएगा 400 ग्राम 300 ग्राम पानी और 100 ग्राम कास्टिक सोडा, तो आपका 400 ग्राम हो गया कास्टिक सोडा का लाइम। अब इसको कर दो ठंडा होने के लिए, छोड़ दो ठीक है मिक्स करके। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाता है फिर बारी आती है एसिड स्लरी की। एसिड स्लरी को अब लोगे शुरुआती एग्जाम्पल के तौर पर, अब 40 ग्राम एसिड स्लरी को लो और उसका 4 गुना पानी ले लो यानी कि 160 ग्राम पानी ले लो। तो यहाँ पे ज़्यादा करके लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पहले एसिड स्लरी लेते हैं फिर उसमें पानी डाल देते हैं। भाई ऐसा मत करो, आपको सबसे पहले जो भी आपका मेज़रमेंट है, आपको अगर 4 गुना पानी लेना है तो 160 ग्राम पहले आपको पानी लेना है, उसके बाद फिर आपको उस पानी में 40 ग्राम एसिड स्लरी डाल देना है। जब आपने 40 ग्राम एसिड स्लरी 160 ग्राम पानी में डाल दिया, उसको अच्छे से कर दिया मिक्स, तो ये मेज़रमेंट हो गया आपका 200 ग्राम। 200 ग्राम का इस मेज़रमेंट को फिर आपको आपके जो भी वेट स्केल होगा, डिजिटल रखो तो ज़्यादा आसान पड़ेगा, आपके डिजिटल वेट स्केल पे उसको रखना है और ज़ीरो कर देना है। उसके बाद फिर आपको थोड़ा थोड़ा कास्टिक सोडा का लाई उसमें डालते जाना है और उसको मिक्स करते जाना है। और जब एग्जैक्ट आपका पीएच आ जाता है, जैसे कि आपका पीएच 7 का पीएच आने के लिए या फिर 8 का पीएच जो भी आपको चाहिए वो आने के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे आपका कास्टिक सोडा का लाई जाता है 25 ग्राम, तो 25 ग्राम कास्टिक सोडा का लाई आप लिख लो। फिर उस कास्टिक सोडा की लाई का मेज़रमेंट आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि आपने शुरुआत में जो मेज़रमेंट किया था जिसमें आपने 100 ग्राम कास्टिक सोडा लिया था और 300 ग्राम पानी लिया था यानी कि 4 गुना था, तो जो भी आपका कास्टिक सोडा का मेज़रमेंट आएगा कास्टिक सोडा की लाई का उसको 4 से डिवाइड कर दो। जब वो 4 से डिवाइड हो जाए उस वक्त जो आपके पास आंकड़ा आएगा, अगर आपका कास्टिक सोडा का लाई 25 ग्राम जाता है तो आपका कास्टिक सोडा का मेज़रमेंट आएगा 6.25 ग्राम। तो 6.25 ग्राम आपका कास्टिक सोडा लगा है 40 ग्राम एसिड स्लरी में, यानी कि 40 ग्राम एसिड स्लरी को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए आपको 6.25 ग्राम कास्टिक सोडा लगा है। अब ये तो हो गया एक छोटा सा बैच, लेकिन इसका रेशियो कैसे निकाले, तो सिंपली जो भी आपका एसिड स्लरी आपने जितना भी लिया रहेगा उस मेज़रमेंट को आपको कास्टिक सोडा के मेज़रमेंट से डिवाइड कर देना है, यानी कि 40 ग्राम को आपको 40 को 6.25 जो आपका कास्टिक सोडा का मेज़रमेंट आया उससे डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने आंकड़ा आएगा 6.40 का। तो 6.40 आपका एक फिक्स रेशियो होगा, अगर आपके लाई का मेज़रमेंट ज़्यादा हो जाता है तो आंकड़ा प्लस माइनस हो सकता है, ज़्यादा या कम होता है। तो ये जो डिवाइडेशन करने के बाद जो प्रोसेस करने के बाद जो आंकड़ा आता है ये आपका
फिक्स रेशियो होता है। अब ये रेशियो मैंने एग्जांपल के तौर पे बोला 6.40 का जो रेशियो आया है, तो अब समझ लो कि आप अगर पहले एसिड स्लरी लेते हो और एसिड स्लरी को न्यूट्रिलाइज करने के लिए आपको कास्टिक का मेज़रमेंट निकालना है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 100 ग्राम एसिड स्लरी लिया है और फिर उसको आपको न्यूट्रिलाइज करना है, तो आपको कास्टिक का मेज़रमेंट चाहिए रहेगा। तो जो भी आपका रेशियो आया है, जैसे कि 6.40 आया, तो आपको 100 को 6.40 से डिवाइड कर देना है, तो उस वक्त जो आपका आंकड़ा आएगा वो आपका कास्टिक सोडा का मेज़रमेंट होगा। और अगर आप पहले कास्टिक सोडा लेते हो और उसको न्यूट्रिलाइज करने के लिए आपको अगर एसिड स्लरी का आंकड़ा चाहिए, तो आपको कास्टिक सोडा के आंकड़े को जो आपका रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे कि आपको एसिड स्लरी का परफेक्ट मेज़रमेंट मिल जाएगा। ये एक सिंपल प्रोसीजर थी एसिड स्लरी के या फिर कास्टिक सोडा के जो मेज़रमेंट का रेशियो होता है उसको निकालने की। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोसीजर समझ में आ गई होगी और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। थैंक यू।